हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज़ लेक्चर नंबर 24 एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मीन्स जो भी हम ब्याज वगैरह लेते हैं, जो हमारा सूद होता है, जिसको कहते हैं जब भी कोई पैसे वगैरह अगर किसी को देते हैं तो उन पर जो सूद बनता है, मीन्स जो ब्याज बनता है, ब्याज वगैरह, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। उसकी मीनिंग भी यही होगी, मीन्स चार्ज फॉर बोरोइंग मनी। अगर आप किसी से पैसे लेते हैं, मनी वगैरह, ठीक है, अगर किसी से भी आपका पैसे की कोई लेन देन है, ठीक है, अगर आपने किसी पर उधार दिए, फॉर एग्जांपल ए ने बी को 1,00,000 रुपये उधार दिया, फॉर एग्जांपल कितने उधार दिए, 50,000 रुपया उधार दिया। अब ए ने बी को 50,000 दिया तो फिर ए जो है बी से कितना परसेंट पैसा लेगा, 6% इससे ब्याज ले रहा है या फिर 10% इससे ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो फिर अब इन्हें वापस कितने करने हैं, तो अब इनको वापस 50,000 से कुछ ज़्यादा करने होंगे, ठीक। वो हो गया हमारे पास इसका इंटरेस्ट। तो आइए देख लेते हैं हम कि इंटरेस्ट होता क्या है। वैसे भी आप हम थोड़ा सा इसकी मीन्स जो हमारा CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड, उससे थोड़ा हटकर अगर हम बात कर लें इस्लाम की, तो फिर ये इंटरेस्ट जो है ये वर्ल्ड रिबा से निकला है, ठीक है। अरबिक वर्ल्ड है रिबा। रिबा की दो किस्म है, रिबा एंड नसीहा। मीन्स जो लोन पर जो इंक्रीज होता है, अगर किसी से लोन लेते हैं और उस पर अगर कुछ हमारे पास इंक्रीज हो जाता है लोन, तो फिर वो रिबा अन नसीहा है। और दूसरा उसका है रिबा अल फदी, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं, फॉर एग्जांपल उधार पर कोई चीज़ देते हैं और उसके बदले किसी और चीज़ का लेना, फॉर एग्जांपल हम उधार पर क्या दे रहे हैं, फिलहाल हम उधार पर ए जो है उधार पर बी को कितना दे रहा है, फॉर एग्जांपल बी को कोई एक जानवर दे रहा है, फॉर एग्जांपल कोई गाय दे रहा है, काऊ, तो इसको रिटर्न में क्या मिलेगा, ए को रिटर्न में मिलेगा बफेलो, मीन्स इसको मिलेगी बफेलो, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, रिबा अल फदी। और ये जो रिबा जो इंटरेस्ट है, सूद का जो व्यापार है, ब्याज वगैरह का, ये इस्लाम में इस्लाम के खिलाफ है, रिप्यूगनेंट टू इस्लाम है। इन पर एक अथॉरिटी है 2002 SCMR पेज नंबर 1754। यहाँ तक बात क्लियर है, आ जाए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 क्या कहता है, वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। जब भी कोई पैसों का लेन देन हो, जब भी कोई हमारे पास डिक्री हो आपकी, किससे रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, मीन्स पैसों से रिलेटेड हो, तो फिर द कोर्ट में इन द डिक्री ऑर्डर इंटरेस्ट एट सच रेट एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल। अब यहाँ पर कोर्ट कितना इंटरेस्ट किसी पार्टी पर इम्पोज कर सकता है, किसी पार्टी पर इंटरेस्ट के लिए आर्डर कर सकती है कितना, एक वर्ड है यहाँ पर रीजनेबल। एक बात आप जहन में रख लें कि हमारे पास इसमें जो भी इंटरेस्ट कोर्ट अवार्ड करेगी वो क्या होगा, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट रीजनेबल होगा। रीजनेबल मीन्स जस्ट एंड प्रॉपर। अरे बात समझिए, जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, रीजनेबल होगा। रीजनेबल होगा, रीजनेबल मीन्स जस्ट एंड प्रॉपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे पास इंटरेस्ट है ये कोर्ट एज अ पेनल्टी या फिर एज अ पनिशमेंट किसी को अवॉइड कर दे, अरे बात समझो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉपर और जस्ट होना चाहिए। इन पर भी एक अथॉरिटी मैं आपको बता देता हूँ, 1992 SCMR पेज नंबर है 22 38। ये अथॉरिटी है, ये भी आप इन पर देख लेना कि जो भी हमारे पास इंटरेस्ट जो कोर्ट देगी एक पार्टी पर इम्पोज करेगी वो क्या होगा, रीजनेबल होगा, मीन्स जस्ट और प्रॉपर होगा। आ रही बात समझ में, हमारे पास ये पेनल्टी और एज अ पनिशमेंट नहीं होगा, रीजनेबल होगा। तो आइए हम देख लेते हैं अब इस सेक्शन नंबर
कौन सा, सेक्शन नंबर 34 को देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 34 में हमारे पास कब इंटरेस्ट कोड दे सकती है, तीन स्टेज हैं। एक स्टेज तो ये, फॉर एग्जांपल ए ने बी पर सूट फाइल किया पैसों के लिए, ठीक है, मनी के लिए, और ए कोर्ट में लिखता है ना कि मैंने इसको पैसे दिए थे। फॉर एग्जांपल इन्होंने सूट फाइल किया 2021 में, अब ये जो कह रहे हैं कि मैंने, मेरा इनकी तरफ से जो पैसे हैं वो 2018 से हैं, तो फिर एक स्टेज बन गया कि कोर्ट सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले से भी इन पर इंटरेस्ट दे सकती है, इम्पोज कर सकती है। और दूसरी स्टेज फ्रॉम द डेट ऑफ सूट टू डिक्री, फॉर एग्जांपल इन्होंने ए ने बी पर सूट फाइल किया मनी के लिए, ये सूट डिक्री कब हुआ, 2022 में हो गया, फॉर एग्जांपल 22 में हो गया, तो फिर 21 से लेकर 22 तक जो भी होगा इंटरेस्ट वो अवॉइड करेगी। नंबर थ्री पर क्या है, फ्रॉम डिक्री टू पेमेंट, अब डिक्री हो गई, ठीक है, 2021 में फाइल हुआ और 2020 में डिक्री हुई, अब डिक्री से लेकर पेमेंट तक, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट बनता है, फॉर एग्जांपल कितना इंटरेस्ट बनता है, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका इंटरेस्ट जो है वो 6% है, ठीक है, तो फिर 6% में 2% ऐड होगा। आ रही बात समझिए, फॉर एग्जांपल एक लाख रुपए पे कितना परसेंट है, 6%, फॉर एग्जांपल 6% के हिसाब से एक लाख रुपया लोन है, तो फिर इसमें कितने बन जाएंगे, 1,06,000। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है, कितने, 1,06,000 रुपये बन जाएंगे। आ रही बात समझ, और इसमें 2% ऐड होगा तो फिर मीन्स 2,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1,08,000 रुपया। यहाँ तक बात क्लियर है, अब चलते हैं इसके क्लास नंबर, हमारे पास सेक्शन नंबर 24 के 24 डिस्कस कर रहे हैं हम, सेक्शन इंटरेस्ट, इसके अंदर इसका सब सेक्शन, सब सेक्शन 2 डिस्कस करते हैं, 34 सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर सच अ डिक्री इज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू दैट पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट ऑन सच एग्रीगेट सम ऑफ अफोरसेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट और अदर अर्लियर डेट, द कोर्ट शल डीम टू हैव रिफ्यूज्ड सच इंटरेस्ट एंड अ सेपरेट सूट देयर फॉर शल नॉट लाई। अगर किसी भी सूट के अंदर किसी भी मनी, जो भी हमारे पास डिक्रीज हैं, ठीक है, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर है, उनके अंदर कोर्ट डिक्री कर लेती है और इंटरेस्ट की बात नहीं करती है, तो फिर वो क्या मान लिया जाएगा, अगर इंटरेस्ट की बात नहीं करती है, इंटरेस्ट की बात कोर्ट नहीं करती है, तो फिर वो क्या मान लिया जाएगा, वो रिफ्यूज्ड मान लिया जाएगा, ठीक है, और रिफ्यूज्ड मान लिया जाएगा तो फिर क्या इन पर एक सेपरेट सूट होगा, उन पर एक नॉट सेपरेट सूट, नॉट सेपरेट सूट शल लाए, कोई सेपरेट सूट अब नहीं होगा व्याज के लिए। आ रही बात समझ में, इसके बाद चले जाते हैं हम सूट, हमारे पास सेक्शन नंबर 34A, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक ड्यूज। पब्लिक ड्यूज भी हमारे पास जो भी गवर्नमेंट्स के इदारे हैं, जो भी गवर्नमेंट है, अगर उनकी, उनके अगर हमारे पास कोई, हम पर कोई टैक्स है, अवाम पर जो भी टैक्स है पब्लिक पर, उनसे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आइए थोड़ा इसका हम बैरडिंग कर लें, वेयर द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट अ सूट वाज इंस्टीट्यूटेड विद इंटेंट टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ एनी पब्लिक ड्यूज पेएबल बाय द प्लेंटिफ आर ऑन हिज बिहाफ, द कोर्ट मे वाइल डिसमिसिंग सच सूट मेक एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द on such public dues at the rate of 2% above the prevailing bank rate। आ रही बात समझ में, ये हमारे पास बात करता है पब्लिक ड्यूज की, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, अब सूट फाइल करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के इदारे पर के इन्होंने मुझ पर ये जो टैक्स लगाया है वो टैक्स जो है
वो इलीगल है, ठीक है। और कोर्ट में अगर ये साबित कर जाता है, ठीक है, जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है वो इलीगल है, ये साबित कर जाता है, तो फिर जो भी गवर्नमेंट का टैक्स है उसके अंदर प्लस होगा 2%, और वो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, वो इंटरेस्ट प्लेंटिफ को मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। बैंक रेट से जो भी वो हमारे पास बैंक रेट है उसके अंदर 2% और दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल आपको समझ में आ गया, ए है, ए ने हमारे पास है किसी रेवेन्यू पर, रेवेन्यू इदारा है गवर्नमेंट का, उन पर कोई टैक्स हमारे पास केस फाइल कर लिया कि इन्होंने मुझसे इलीगल टैक्स के लिए नोटिस भेजा है, ये जो है मुझ पर जो टैक्स लगा है वो इलीगल है, और ये कोर्ट में साबित कर जाता है, तो फिर हमारे पास कोर्ट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर इंटरेस्ट नाफिज कर देगी, किसके फेवर में, प्लेंटिफ के, ए के फेवर में। आधी बात समझो, और जो भी बैंक का रेट होगा इंटरेस्ट का उसके अंदर 2% और इसको ज़्यादा बढ़ाकर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 24A सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बात करता है, वेयर द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द रिकवरी ऑफ एनी पब्लिक ड्यूज फ्रॉम द प्लेंटिफ वाज अनजस्टिफाइड, द कोर्ट मे वाइल डिस्पोजिंग ऑफ द सूट मेक एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 2% अबो द प्रिवेलिंग रेट। अगर यही बात आ गई कि हमारे पास से जो कोर्ट्स है, कोर्ट की अगर ओपिनियन बनता है कि जो फ्रॉम द प्लेंटिफ वाज अनजस्टिफाइड, अगर जो प्लेंटिफ से जो इन्होंने ड्यूस मांग रहे थे पब्लिक, ठीक है, प्लेंटिफ से जो मांग रहे थे वो अनजस्टिफाइड था, तो फिर वो 2% जो बात मैंने बताई वही बात हमारे पास सबसेक्शन 2 में भी आ गई। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं दो, एक है बैंक, बैंक मीन्स जो भी हमारे पास बैंक रेट मीन्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो हाईएस्ट बैंक होगी उससे जो भी डिटरमाइन होगा वो बैंक रेट होगा। अरे फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो भी डिटरमाइन करेगी रेट वही रेट होगा इंटरेस्ट का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद पब्लिक ड्यूज़, पब्लिक ड्यूज़ क्या होता है, पब्लिक ड्यूज़ मीन्स कोई भी गवर्नमेंट का इदारा जो भी पब्लिक से जो भी मुनासिब रेट पर कोई अगर टैक्स वसूल करने का हक रखती है तो फिर वो पब्लिक ड्यूज़ है। यहाँ तक बात क्लियर है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो उसके बाद 34B पढ़ेंगे। 34B क्या बात करता है, 34B बात करता है इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट ETC ऑन ड्यूज ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का इंटरेस्ट किस पर, जो भी हमारे पास अगर कोई भी शख्स लोन वगैरह लेता है तो फिर उन पर इंटरेस्ट बैंक का। अरे बात समझ में, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए ने हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई लोन लिया, कितने का लोन लिया, फॉर एग्जांपल कोई 50,000 का लोन लिया। अब जो बैंक का जो राइट बनता है इन पर 6% या फिर जो भी है, ठीक है, उनसे अब इंटरेस्ट वसूल करना, तो फिर ये बैंक का राइट बनता है इन पर। अब देख लेते हैं इसकी बे रीडिंग कर लेते हैं। वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी ड्यू टू अ बैंकिंग कंपनी और रीपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस बाइट, जब भी कोई शख्स किसी बैंक से या गवर्नमेंट इदारे से अगर लोन लेता है, जब वो रीपेमेंट उसकी करता है, पहले पेमेंट बैंक ने इसको की इन शेप ऑफ लोन, अब वो वापस कर रहे हैं तो मीन्स रीपेमेंट कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, रीपेमेंट इन शेप ऑफ इंटरेस्ट। आरी बात समझें, पहले इन्होंने लोन दिया, आरी बात समझें, इन शेप ऑफ इंटरेस्ट, अब इन्होंने वापस दिया लोन, रीपेमेंट की इन शेप ऑफ इंटरेस्ट। ये बात क्लियर है। द कोर्ट शल इन डिक्री प्रोवाइड द फॉर इंटरेस्ट और रिटर्न, जो कोर्ट जो है वो इस बैंक को प्रोवाइड कर सकती है कि आप लोन इनसे रिटर्न, लोन रिटर्न करें और ये इंटरेस्ट भी इसको रिटर्न करें। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 पे लिए हैं तो इसके साथ 6% अगर आपको बनता है तो फिर वो आप 3,000 रुपये ऊपर भी आप जमा करवाएं। यहाँ तक बात क्लियर है। एट द केस मे बी ऑन द जजमेंट डेट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टिल पेमेंट,
जो भी सर्कमटेंसेस हो केस के, आज बात समझ, यहाँ पर कह रहा है द केस मे बी, इट मीन्स द सर्कमटेंसेस ऑफ द केस, एवरी केस हैव द सर्कमटेंसेस ऑफ इट्स ओन, हर केस की अपने सर्कमटेंसेस, जो केस के जैसे भी सर्कमटेंस हैं उस सर्कमटेंसेस को देखकर ही कोर्ट एक इंटरेस्ट दे सकती है। आ रही बात समझ में, उसका हम ए देख लेते हैं, इन द केस ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स फॉर इंटरेस्ट एट द कॉन्टेक्टेड रेट आर एट द रेट ऑफ 2% अबो द बैंक रेट व्हिच एवर इज हायर। अब जो भी फॉर एग्जांपल ए ने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, स्टेट बैंक या भी जो भी बैंक कंपनी है उससे लोन लिया, और उससे लोन लेते हुए कोई कॉन्टेक्ट हो गया कि हमारा इतना जो है इंटरेस्ट बनेगा, या फिर जो भी हमारे पास बैंकिंग रेट है, ठीक है, बैंक रेट है उससे 2% ऊपर होगा तो फिर वो इंटरेस्ट देना होगा। उसके बाद बी कहता है, इन द केस ऑफ लोन्स गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मार्कअप इन प्राइस, अगर कोई भी लोन है अगर आपने लिया और उसके अंदर आप कहते हैं इसके अंदर वो जो हमारे पास इंटरेस्ट वगैरह है वो छोड़ दे बैंक रेट, अब इसमें मार्कअप हम कर देते हैं, फिर चाहे मंथली हो, चाहे ईयरली हो, फिर चाहे वो 6 मंथ का हो। आज बस समझे, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बैंक से लोन लिया 50,000 का और इन्हों के दरमियान कॉन्टेक्ट हुआ कि हम इस पर इंक्रीज सिर्फ लेंगे 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपये। आधी बात समझे, 1,000, 50,000 का लोन लिया कि 1,000 लेंगे तो 1,000 ही कोर्ट इंटरेस्ट ले सकती है। ये कह रहा है बी, जैसा कि हम कहते हैं प्राइस, लीज, हायर परचेज और सर्विस चार्जेस, कोई भी चीज़ हम लेते हैं लीज़ वगैरह करते हैं तो फिर उन पर हमारे दरमियान जो होता है ना मुआयदा, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि कितना हम देंगे, कितना हम दे सकते हैं। आधी बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सी पर। सी कहता है, इन द केस ऑफ लोन्स गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस, अब सी कहता है अगर कि ए ने बैंक से कोई लोन लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 500,000 का, मीन्स 5,00,000 का, ठीक, तो 5,000 मीन्स 5,00,000 रुपये, ठीक है, अगर ये से समझना आए तो यूँ लिख लें, 5,00,000 का लोन लिया, अब इन्होंने कोई बिजनेस करना है ए ने, और बिजनेस ए ने करना है तो फिर इन दोनों के दरमियान पार्टिसिपेटिंग ये हुई कि अगर 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ जो भी प्रॉफिट हुआ वो हमारा होगा, बैंक का होगा, और बाद में जो 6 मंथ है उसमें जो भी फ़ायदा हुआ वो ए का होगा। अब 6 मंथ के अंदर जो भी लॉस होगा वो भी इनका होगा, और 6 ऊपर वाले जो 6 मंथ है उसमें अगर कोई किस्म का लॉस हुआ तो वो प्लेंटिफ का होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, आ रही बात समझ। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी कि इन दिस सेक्शन ए अ बैंक रेट हैज़ द सेम मीनिंग इन सेक्शन 24A में जो बैंक रेट की डेफिनेशन दी गई है वही एक्सप्लेनेशन इसमें समझा। बैंक रेट का क्या मीनिंग क्या दिया गया है, मीन द बैंक रेट डिटरमाइन एंड मेड पब्लिक अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। जो स्टेट बैंक जो का एक्ट जो है 1956 का, उसके तहत अगर जो भी बैंक रेट डिटरमाइन किया गया है पाकिस्तान की बैंक के हिसाब से वो ही इंटरेस्ट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे।